हेलो फ्रेंड्स, आज अपने इस ट्यूटोरियल में हम पॉइंटर्स का एरेज के साथ यूज करना सीखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि एरेज जो है वो सेम टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है और मेमोरी में इन्हें कंटिन्यूअस स्पेस जो है वो एलोकेट होता है। पॉइंटर्स एक वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के काम आते हैं, यानी कि ये वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू स्टोर नहीं करते, ये वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम पॉइंटर्स का एरेज के साथ यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने अपने एक एरे को डिक्लेयर किया है जो डबल टाइप का है। मैंने लिखा डबल स्पेस, एरे का नाम है बैलेंस, उसमें टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, इज इक्वल टू, और एलिमेंट्स को इनिशियलाइज किया 1000, 2.0, 3.4, 7.17, 17.0, 50.0, कर्ली ब्रेसेस क्लोज किए, देन सेमीकॉलन। फिर मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया जो कि डबल टाइप का है, डबल स्पेस। पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए मैं एस्ट्रिक साइन का यूज करती हूँ, एस्ट्रिक पी एंड देन सेमीकॉलन। आप यहाँ पे एक बात नोट करेंगे कि जिस टाइप के एलिमेंट्स आप वेरिएबल एरे में स्टोर कर रहे हैं उसी टाइप का पॉइंटर आपको डिक्लेयर करना है। आपका एरे जो है वो डबल टाइप का है तो पॉइंटर भी आप यहाँ पर डबल टाइप का ही लेंगे। अब आपको पॉइंटर में एरे के एलिमेंट यानी एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस डालना है। तो एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पॉइंटर में डालने के लिए आप क्या लिखेंगे, p इज इक्वल टू, और एरे का नाम, हमारे एरे का नाम है बैलेंस, तो मैंने यहाँ लिखा है बैलेंस। ये लाइन लिखते ही जो एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा वो पॉइंटर को असाइन कर दिया जाएगा। अब आप जानते हैं कि अगर हमें नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस लेना है तो एरेज में हम वो बहुत इजीली गेट कर सकते हैं, क्योंकि एरेज जो है वो मेमोरी में कंटिन्यूसली स्टोर होता है। तो फर्स्ट एड्रेस मिलने के बाद बाकी के सभी एलिमेंट को एक्सेस करना, यानी कि उनके एड्रेसेस को एक्सेस करना बहुत इजी हो जाता है। अब हम पॉइंटर्स के थ्रू एरे की वैल्यूज को एक्सेस करना सीखेंगे, यानी कि गेट करना सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया, फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज जो एरे के एलिमेंट्स हैं उनका सब्सक्रिप्ट जीरो से स्टार्ट होता है। आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन फाइव, आई प्लस प्लस, मैंने कर्ली ब्रेस ओपन किए फॉर लूप के लिए, सी आउट। पॉइंटर्स के थ्रू जब भी हम वैल्यू को गेट करना चाहते हैं, यानी कि जो एड्रेस आपके पास है उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू को हम गेट करना चाहते हैं, तो हम एस्ट्रिक का यूज करना पड़ता है। एस्ट्रिक, मैंने पैरेंथेसिस लगाए, ये सिंपल एक मैसेज है सी आउट के थ्रू। अभी हम इस लाइन को थोड़ा सा छोड़ देते हैं, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, सी आउट वैल्यू ऑपरेटर यानी कि एस्ट्रिक साइन, और पैरेंथेसिस में मैंने लिखा पी। P के पास अब क्या है, जो आपके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है वो, प्लस I मैंने इसलिए लिखा कि वो नेक्स्ट इटरेट करने के लिए, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट पर जाने के लिए। तो P प्लस जीरो, तो जो भी फर्स्ट एड्रेस होगा उसकी वैल्यू, यानी कि उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर I की वैल्यू 1 होगी तो एड्रेस में एक ऐड हो जाएगा, आई 1 हो जाएगा, तो जो भी एड्रेस होगा इनिशियल उसमें 1 ऐड हो जाएगा और उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। ऐसा तब तक होगा जब तक आई की वैल्यू लेस देन 5 होगी। तो इस तरह से हम पॉइंटर्स का यूज करके एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम एरे वैल्यूज को किस तरह से उसके एड्रेस के थ्रू एक्सेस करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि अगर हम बैलेंस लिख दें, खाली नाम एरे का लिख दें, तो वो फर्स्ट एड्रेस जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके एड्रेस को पॉइंट करता है। तो यहाँ पर अब मैंने एड्रेस के थ्रू एरे एलिमेंट को एक्सेस किया है। उसके लिए मैंने फिर से फोर लूप लगाया है, फोर इन जे इज इक्वल टू जीरो, जे लेस देन फाइव, जे प्लस प्लस, सी आउट। ये हमने सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट की है कि बैलेंस इज द फर्स्ट एड्रेस प्लस जे, जे जो हमारी यहाँ पर जे की वैल्यू चल रही है वो, और सिंपल पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया है। सी आउट, सेम जैसे आपने पॉइंटर्स का यूज किया था, क्योंकि पी में भी हमने बैलेंस की वैल्यू को डाला था। बैलेंस क्या है, हमारे इनिशियल एलिमेंट का एड्रेस है, तो मैंने यहाँ पे भी वैल्यू ऑपरेटर लगाया है, पैरेंथेसिस में बैलेंस लिखा है, बैलेंस हमारा फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है, प्लस जे की वैल्यू हमने जीरो से शुरू करी है तो जीरो। इस तरह से भी आप एड्रेस का यूज करके जो है एरे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। फिर मैंने फॉर लूप की बॉडी क्लोज की है, गेट सी एच एंड देन रिटर्न जीरो। अब हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस से और कंपाइल करते हैं F9 के थ्रू। कंपाइल कर लिया, अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। रन करने के बाद आप देखेंगे कि इसने एरे वैल्यूज यूजिंग पॉइंटर्स
पॉइंटर्स का यूज करके भी एरे एलिमेंट्स को एक्सेस किया है और बाद में एड्रेसेस का यूज करके भी एरे एलिमेंट्स को एक्सेस कर दिया है. पी प्लस जीरो, बैलेंस प्लस जीरो, पी प्लस वन, पी प्लस टू, पी प्लस थ्री, पी प्लस फोर. बैलेंस प्लस जीरो, बैलेंस प्लस वन, बैलेंस प्लस टू, बैलेंस प्लस थ्री एंड बैलेंस प्लस फोर. तो इस तरह से हम पॉइंटर्स का एरेस के साथ यूज कर सकते हैं और एड्रेसेस की हेल्प से भी एरे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं. मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में. टिल देन बाय. थैंक यू.